हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहां पर कॉल इंडिया ने जो एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी गेट 2022 के आधार पर वेरियस डिसिप्लिन्स में जॉब ऑफर की थी, तो उसका फाइनली उन्होंने गेट कट ऑफ निकाल दिया गया है। यानी कि जो वहां पे फाइनली स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है उसका उन्होंने गेट कट ऑफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जिसमें जो हमारे पास वेरियस डिसिप्लिन थे आपके पास, जैसे माइनिंग था आपका, सिविल था, और आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन था, एंड सिस्टम एंड ईडीपी था। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे मैं मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग की ही बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको माइनिंग्स के बारे में भी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में भी, और फिर हम सिस्टम एंड ईडीपी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जनरल की कट ऑफ कितनी गई है सर, वो आपके पास 862 गई है, और ये 862 आपकी ओ कट ऑफ है जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड में जो आपका फाइनली स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। क्लियर है? अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 808 गई है, जबकि ओबीसी की यहां पर आपके पास 816 गई है, एससी कैटेगरी की 728 गई है, जबकि एसटी कैटेगरी की 743 गई है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी ओएच की आपके पास 802 गई है, जबकि पीडब्ल्यूडी एचएच की आपके पास 288 गई है। क्लियर है? अगर यहां पे बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एसएलडी की, तो उनकी कितनी गई है सर, 721 गई है। तो अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में यहां पे फाइनली स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी की, तो उसकी कट ऑफ है 862। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं एससी की, तो 728, जबकि एसटी की 743, और ओबीसी की आपके पास 816 गई है, और ईडब्ल्यूएस की आपके पास 808 गई है। क्लियर है? ये तो बात थी हमारे सिविल इंजीनियरिंग, और ये जो स्कोर है आपका आउट ऑफ 1000 में से है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके माइनिंग्स डिपार्टमेंट की, तो माइनिंग्स में जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई होगी, तो उनके जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट आपका सिलेक्ट हुआ है कॉल इंडिया लिमिटेड में, उसका जो गेट कट ऑफ था वो आपके पास 427 था। ठीक है? अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 310 है, ओबीसी की 310 है, एससी की 215 है, जबकि एसटी की 215 है। अब यहां पर आप सोच रहे हैं कि सर इनकी तो बहुत कम गई होंगी। हाँ, क्योंकि जो माइनिंग्स इंजीनियरिंग होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो आपकी 721 गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस की आपके पास 675 गई है, जबकि ओबीसी की आपके पास 662 गई है, एससी कैटेगरी की 550 गई है, एसटी कैटेगरी की भी 417 गई है, जबकि पीडब्ल्यूडी ओएच की आपके पास 415 गई है, पीडब्ल्यूडी एचएच की आपके पास 296 गई है। क्लियर है? सिस्टम एंड ईडीपी की बात करते हैं, तो सिस्टम एंड ईडीपी में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दिख रही है आपको 824 दिख रही है, जबकि ईडब्ल्यूएस की आपके पास 776 दिख रही है, ओबीसी की यहां पर 644 दिख रही है, जबकि एससी की आपके पास 578 है, जबकि एसटी कैटेगरी की 464 है, जबकि पीडब्ल्यूडी ओएच की आपके पास 596 है, पीडब्ल्यूडी 460 एंड पीडब्ल्यूडी आपके पास 267 गई है। अगर मैं कोल इंडिया लिमिटेड्स की बात करता हूं, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है आपकी वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गई है, और सबसे कम गई है आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग। तो अगर अभी भी आप चाह रहे हो कि अगर आप किसी टॉप पीएसयू में अपना सिलेक्शन चाहते हो, और तो आप जल्दी कीजिएगा, और गेट एग्जाम जो जिसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिन्होंने अभी तक अपना गेट एग्जाम फिल नहीं किया है वो भी अपना गेट एग्जाम जल्दी से फिल कीजिएगा, और किसी न किसी पीएसयू में भी आप अपना सिलेक्शन इजीली पा सकते हैं डियर। तो देरी किस बात की।